हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक कतर विद अनदर न्यू इंटरेस्टिंग ब्लॉग। सो आज गाइज हम आए एक ऐसा कतर का ब्यूटीफुल प्लेस, इट्स द पर्ल। इसका बहुत हिस्ट्री है जो मैं बोलने वाला हूँ आपको। बहुत अच्छा अच्छा बिल्डिंग्स है इधर, देखो गाइज आप देख सकते हो कितना अच्छा खूबसूरत जगह है। लाइक यू नो कूल नेचुरल लाइक प्लेस है, कूल प्लेस है। आज मेरे साथ है मेरा फ्रेंड अखिल, तो फोटोशूट कर रहा है। अखिल अखिल से हाई टू कैमरा या सो हम दो लोग अभी बीच पे जा रहे हैं, तो मिलते हैं आपको बीच पे जाके। टिल देन स्टे ट्यून। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस जाके सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो एंड कमेंट करो। एंड गाइस प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखो, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम आईडी को अभी तक फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ गाइस जो नीचे लिंक दिख रहा है उसको फॉलो कर लेना, इवन डिस्क्रिप्शन में भी है। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज फाइनली हम लोग बीच तक पहुंच चुके हैं, जो इस बीच का नाम है, जिस इस प्लेस का नाम है कॉन्थ फोर्थियर, जो बहुत खूबसूरत है जगह, आपको दिखाऊंगा। आए मेरे साथ, लेट्स सी। तो गाइज फाइनली हम पहुंच चुके हैं बीच में, जो इस प्लेस का नाम है कॉन्थ फोर्थियर। देखते हैं बीच कैसा है, हमारे फर्स्ट टाइम है तो हम लोग देखेंगे कैसा है बीच। और बहुत अच्छा अपार्टमेंट्स है इधर, बहुत अच्छा अच्छा प्लेस, बहुत अच्छा अच्छा बिल्डिंग्स है। सो देखते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा के जस्ट वॉच। तो गाइज अब हम बात करते हैं पर्ल कतर के बारे में। तो पहला बात है तो पर्ल कतर एक आइलैंड है और ये दोहा कतर में सिचुएटेड है। तो ये पर्ल कतर क्या है, तो एक पर्ल कतर ए आर्टिफिशियल आइलैंड है। सो अब थोड़े लोगों के मन में ऐसा सवाल उठेगा कि आर्टिफिशियल आइलैंड मतलब क्या, कि हम आइलैंड तो सुना है लाइक नेचुरल आइलैंड तो होता है, बट एक आर्टिफिशियल आइलैंड मतलब क्या। तो गाइस सिंपल सा बात है, आर्टिफिशियल आइलैंड मतलब ये मैन मेड आइलैंड है, मतलब इंसान ने द्वारा बनाया हुआ आइलैंड। तो गाइस अब हम बात करते हैं इस जगह के बारे में। तो जो ये आइलैंड है ये लगभग है 4 स्क्वायर किलोमीटर तक जमीन पे फैला हुआ है। और जो ये कतर में ऐसा पहला लैंड है जो फॉरेन नेशनल के द्वारा फ्री होल्ड ओनरशिप के लिए उपलब्ध। तो अब हमारे माइंड में और एक क्वेश्चन उठेगा कि यार फ्री होल्ड ओनरशिप मतलब क्या है। सिंपल सा बात है गाइस, सो फ्री होल्ड ओनरशिप का मतलब है कि अगर आप फ्री होल्ड का प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो फ्री फ्रॉम होल्ड, मतलब अगर कोई जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को खरीद रहा है तो वो उस प्रॉपर्टी का ओनर हो गया। तो इसमें ओनर कंप्लीट ओनरशिप एंजॉय करता है और इस लैंड को भी इसी पर्पस के लिए भी यूज कर सकता है, या चाहिए वो रिनोवेशन
या ट्रांसफ़र और या बेचना है तो भी वो बेच सकता है। बट उसको गाइस गवर्नमेंट का जो थोड़ा रूल्स होते हैं ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, उसको दिमाग में रख के, जैसे माइंड में रख के उसको ये करना पड़ेगा। बट और एक जो बात है गाइस कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ है ना बहुत महंगे होते हैं, लाइक बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। ये पर्ल कतर में इधर है, जो गाइस इधर 12 डिस्ट्रिक्ट है, टोटली 12 डिस्ट्रिक्ट, मतलब 12 डिस्ट्रिक्ट है। सो इन लोगों ने हर 12 डिस्ट्रिक्ट को उन लोगों ने अलग अलग स्टाइल से डिज़ाइन किया है। तो गाइस अब हम बात करते हैं रेसिडेंस के बारे में। तो यहाँ पे जो पर्ल कतर में 45,000 से भी ज़्यादा, जाए 45,000 से भी ज़्यादा रेसिडेंस है। तो और एक ऐसा बात है गाइस, अगर आप पर्ल कतर में विज़िट करते हो तो आपको ऐसा फीलिंग होगा कि आप कतर में नहीं, जैसे कि मतलब जो मैंने जैसा विज़िट किया है आज, बट मुझे ऐसा फील आ गया कि मैं यार फॉरेन कंट्री में, लाइक लंदन, लाइक कनाडा में, वैसा है ना जैसा वो रेसिडेंस, उनका जो स्टाइल, ऐसा मुझे ऐसा फील हो। तो आप भी आओगे तो आई होप आपको भी ऐसा ही फील होगा कि आप जैसे कतर में नहीं, जो कनाडा में, या ऐसा नो वैसा वाला फील होगा आपको। तो गाइस अब हम बात करते हैं इसका प्रोजेक्ट के बारे में, द पर्ल कतर प्रोजेक्ट के बारे में। तो गाइस एक प्रोजेक्ट बन, द पर्ल कतर जो प्रोजेक्ट है बन के तैयार होने में कम से कम 2 साल लग गए। तो ये स्टार्ट हुआ था अगस्त 2004 में, तो ये टोटली 2 साल लेके जब 6 जुलाई 2006 में ये फुल कंप्लीटेड हो गया। तो इस कंपनी का नाम है जो इसका लिया था, जो इसने ये प्रोजेक्ट लिया था उसने, वो UDC है। तो उसका जो फुल फॉर्म है लाइक यूनाइटेड डेवलपमेंट कंपनी, तो ये एक है शेयर होल्ड कंपनी है गाइस। Guys, thank you for watching. Guys, please subscribe the channel Fantastic Author. Till then, good night, bye bye. So guys, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। थैंक यू अखिल, मेरे साथ आया तो मेरे को थोड़ा सपोर्ट मिलता है। अगर अकेला है तो थोड़ा यू नो कोई बात करने को नहीं होता है, बट इट्स ओके, अच्छा था आज मुझे, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। एंड अगर आप कतर में हो तो प्लीज़ विजिट करो पर्ल कतर को। बहुत कन्फ्यूजन है, सीरियसली एक बात बोलो तो इधर बहुत कन्फ्यूजन है, मतलब किधर उतरने का पता नहीं। बिकॉज देखो मेट्रो के बारे में बोलता हूँ, आप मेट्रो से भी आ सकते हो। मेट्रो से मतलब आपको रेड लाइन लेना पड़ेगा। अगर किसी को ग्रीन लाइन है या डिफरेंट लाइन है, आपको रेड लाइन लेना पड़ेगा। एंड वो अगर रेड लाइन मशरिफ से लेना ले, अगर कोई तो ग्रीन लाइन या येलो लाइन, मशरिफ जाके रेड लाइन ले लो, उधर से आपको तो लेक्तिफिया स्टेशन है, तो लेक्तिफिया स्टेशन से आपको बसेस मिलेगी जो हर 15 मिनट्स में होता है। तो उधर से बस मिलेगा, तो बस आपको छोड़ेगा। तो हम लोग पहला टाइम तो हमको पता नहीं है किधर उतरने का, हम लोग राउंड मार के फाइनली हम लोग एक कोर्ताना कतर उधर उतर गए। तो उधर से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, बट इट्स ओके, नाइस, अच्छा था कि हम लोग थोड़ा लेट पहुँचे। तो कोई बोट राइड्स नहीं हो रहे, मतलब आपको बहुत सारा रूल्स है, रेगुलेशन है इधर, मतलब उधर से एक डोर, उधर आपको एक डोर दिखता है ना, वो डोर से आपको एक कार्ड स्वाइप करना पड़ेगा। तो आपके पास कार्ड हो तो तब आप अंदर जा सकते हो, बहुत रूल्स है। तो इट्स ओके, बहुत अच्छा था मेरा एक्सपीरियंस। एंड गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, एंड प्लीज़ प्यार, बहुत सारा प्यार दो। अगर आपको, थोड़े लोगों को नहीं पता है कहाँ सब्सक्राइब रहता है, मतलब वो बटन कहाँ रहता है, मतलब थोड़े, मतलब मेरा थोड़ा फ्रेंड्स उनको नहीं पता था। तो गाइस नीचे सब्सक्राइब बटन रहता है, उधर जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंड प्लीज़ एंड प्लीज़ कमेंट करो कैसा लगा आपको वीडियो। तो तब तक के लिए गाइस, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।